मिनिमम वेज जॉब करके या रेस्टोरेंट में काम करने, तो अगर 25 लाख रुपए लेके आ रहे तो आप बेवकूफ हो। मेरा कॉन्फिडेंटली देता था, सारे इंटरव्यू भी अच्छे से जाता था, और उसके बाद मुझे पता चलता था वो ऐसी पड़ी रहती है, चाहे उस पर अप्लाई करो कोई भी नहीं देख रहा, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइवल जॉब्स तक मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, कि उनका वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, और वापस वो इंडिया भी गए हैं। और मैंने जब देखा कि ऑलरेडी इतने सारे एक्सपीरियंस लोग भी रिजेक्ट हो रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही, तो मैंने सोचा कम से कम मेरे पास इंटरव्यूज तो आ रहे हैं। क्लास के अंदर ऑलमोस्ट 60% से ऊपर के बच्चों की नौकरी नहीं लगी है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। काफ़ी दिन के बाद मैं फिर से वापस आ चुका हूँ एक बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन लेकर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे को विद इन 3 मंथ्स आफ्टर कमिंग ऑन माय वर्क परमिट अपनी फील्ड के अंदर जॉब कैसे मिली। अभी टाइम कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोगों को भी जॉब नहीं मिल रही, और कुछ ऐसे लोगों को भी जॉब नहीं मिल रही जो ऑलरेडी PR पे आए हुए हैं, और ऐसे लोगों को भी यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही है जो कि ऑलरेडी काफ़ी सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। फील्ड के अंदर जॉब मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, और ऐसा चीज़ मैंने विद इन 3 मंथ्स कैसे अचीव करा ये आपको मैं बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। तो होपफुली ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगेगी, तो एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, इसलिए मैं कहीं बैठ के बात करता हूँ, मेरे से खड़ा नहीं रह जाएगा इतनी देर। जैसे कि आप में से काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं वॉलमार्ट में काम कर रहा था बहुत टाइम से, और वॉलमार्ट में ऐसा नहीं है कि मुझे वहाँ पे प्रमोशन नहीं मिलता या फिर मेरे को वहाँ से नॉक भी कैटेगरी नहीं मिलती। मेरा गोल ये था कि वॉलमार्ट में कुछ टाइम काम करूंगा और कोशिश करता रहूंगा कि अपनी फील्ड के अंदर ही कहीं जॉब ढूंढूं, क्योंकि कल को अगर मान लो मुझे वॉलमार्ट में अगर नौकरी नहीं मिलती और मुझे वापस इंडिया जाना पड़ता है, या फिर मेरा कुछ यहाँ पे PR का नहीं हो पाता, तो मेरा सेकंड प्लान यही होता कि मैं इंडिया जाके अपनी फील्ड में काम करूँ। या ये नहीं था कि कभी वॉलमार्ट का मैनेजर बन के या फिर इंडिया के अंदर जाके मैं उसी टाइप के कुछ काम करूँ। तो मेरा प्लान स्टार्टिंग से यही था कि वॉलमार्ट का सिर्फ एक्सपेंसेस मीट करने के लिए ऐसी जॉब करूँ और अपनी फील्ड के अंदर ही जॉब सर्च करूँ। तो मैंने ऑलमोस्ट, आपको पता ही होगा, मैं स्टडीज़ के पूरे ड्यूरेशन 2 साल तक मैं वॉलमार्ट में काम कर रहा था, और जैसे मैंने वॉलमार्ट में अपनी स्टडीज़ कम्प्लीट करने के साथ साथ अपनी जॉब कम्प्लीट करी, मतलब फुल टाइम ही जॉब कर रहा था मैं, और ऑलमोस्ट 40 आवर्स मैं हफ्ते के वहीं दे रहा था। तो उस टाइम पे मुझे एक चीज़ ये रियलाइज़ हुई कि मैं कभी भी अपने 40 आवर्स के काम के साथ साथ जॉब सर्च को बैलेंस नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है 40 आवर्स काम करने के साथ साथ घर आके फिर अपने काम भी करो, उसके बाद फिर जॉब एप्लीकेशन भी करो, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी मेरे को। क्या करा कि मैं जब भी अपने काम से वापस आता था तो मैं रात को कम से कम 1 या 2 घंटे देकर अपनी फील्ड के अंदर जॉब्स एप्लीकेशन डालता रहता था। इवन दो मेरे पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस पहले से था, तब भी मैं एंट्री लेवल जॉब्स के अंदर अप्लाई कर रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि जो ये एंट्री लेवल में मांग रहे उसी में इतनी सारी चीज़ें एंट्री लेवल जॉब्स के अंदर मांग रहे थे जो कि ऑलरेडी एक्सपीरियंस बंदों के पास होनी चाहिए। मेरा मतलब ये है कि मैनेजर लेवल या फिर मिड सीनियर लेवल के जो जॉब्स हैं वो वाले एक्सपीरियंस के बंदे उनको एंट्री लेवल जॉब्स पे चाहिए थे। तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं अगर मिड लेवल या फिर सीनियर लेवल के जॉब्स अप्लाई करूँगा तो डेफिनेटली मुझे कहीं से भी इंटरव्यू कॉल नहीं आने वाले, इसलिए मैंने एक स्टेप नीचे से अप्लीकेशन डालनी शुरू करी। तो अपनी जो एंट्री लेवल जॉब्स होती है वहाँ पे मैंने अप्लाई करना शुरू करी, और दिन में मैं 50 एप्लीकेशन तो डाल ही देता था। जैसे मैं काम के बीच में फ़ोन यूज़ कर सकता था, मेरे यहाँ पे वॉलमार्ट में ऐसा एक लीनियंसी था कि मैं हाथ में फ़ोन यूज़ करता रहता था, क्योंकि मेरा ऑनलाइन ऑर्डर्स का डिपार्टमेंट था, तो मैं जैसे फ्री टाइम मिलता था एक आध एप्लीकेशन चलते चलते डालता रहता था। दिन में मेरे कम से कम मान के चलो 50 एप्लीकेशन हो गए या फिर 20 एप्लीकेशन हो गए, होता रहता था, मैं करता रहता था। तो एक चीज़ मेरे को रियलाइज़ हो गई कि यहाँ पे ये जो कंपनीज मांग रही है ये काफ़ी ज़्यादा स्किल्स मांग रही है जो कि मेरे पास थी नहीं। ऐसी स्किल्स काफ़ी हैं जो कि कुछ सीनियर बंदों के पास होती है, जैसे कि कुछ टूल्स आना हो गया या फिर कोई ऐसे एप्लीकेशंस जो कि या कोई सर्टिफिकेशंस हो गए जो कि इनको रिक्वायर्ड होती है मिड सीनियर लेवल में या फिर एंट्री लेवल जॉब्स के अंदर भी। तो मैंने इसका एक लिस्ट बना लिया कि भाई देखो ये सारी कंपनीज कॉमनली 2-4 चीज़ें मांग रही है, ये चीज़ तो मुझे पता होनी ही चाहिए। और एक चीज़ तो मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता दूँ, अगर आप कनाडा से एजुकेशन कर रहे हो तो आपको ये चीज़ ऑलरेडी पता होगी कि यहाँ के एजुकेशन के अंदर कोई खास चीज़ नहीं है कि आपको यहाँ से पढ़ाई करते ही कोई जॉब मिल जाए। जॉब रेडी कोई भी कोर्सेज नहीं है, आपको अलग से खुद बैठ के पढ़ाई करनी पड़ेगी, और आपको जॉब्स एप्लीकेशन के लिए ऐसी चीज़ देखनी पड़ेगी जो आपको खुद अक्वायर करनी होगी स्किल्स, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉलेज के अंदर कोई भी ऐसी स्किल्स नहीं मिलने वाली है। एक आध चीज़ें आपको ओवरऑल ऊपर से बता देंगे, लेकिन इन डेप्थ जो होती है वो एक्चुअल जॉब के अंदर जाकर ही पता चलता है। तो अगर आप एक एंट्री लेवल जॉब कर रहे हो तो हो सकता है आपको एक इंटर्न से शुरू करना पड़ा हो सकता है या फिर कोऑप से शुरू करना पड़ सकता है। तो अगर आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको छोड़ना मत, 1 महीना 2 महीना 2 इंटर्न एज अ शुरू करो, उसके बाद आपको ग्रेजुअली अपनी फील्ड के अंदर वो एंटर करने में काफ़ी आसान कर देगा वो चीज़ें। आप में से काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि मैंने यॉर्क यूनिवर्सिटी से डिजिटल एंड कंटेंट मार्केटिंग का कोर्स करा था और पब्लिक रिलेशन का भी कोर्स करा था, ऐसे 2 कोर्स मैंने करे थे। दोनों कोर्स करने के बाद मैं ये चीज़ क्लियरली बता दूँ कि मेरे क्लास के अंदर ऑलमोस्ट 60% से ऊपर के बच्चों की नौकरी नहीं लगी है, वो सब अपने मिनिमम वेजेस जॉब कर रहे हैं या फिर जहाँ पे वो बार में या फिर कोई कपड़ों की दुकान में या फिर कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे उनको ग्रोथ नहीं मिल रही है, वहाँ पे वो वहाँ के मैनेजर बन जाते हैं या फिर उनके वहाँ पे कोई
सुपरवाइजर लेवल पे पहुंच जाते जो उनके पीआर में हेल्प कर देता। लेकिन मेरा स्टार्टिंग से ही गोल ऐसा नहीं था, मेरा गोल ऐसा था कि अपनी फील्ड के अंदर अगर मैंने पढ़ाई करी है तो मुझे फील्ड में ही नौकरी मिले। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका भी यही सपना होगा कि आप जो पढ़ाई करने आए हो कनाडा में उसी में अपनी जॉब सर्च करो। अगर आपने 25-30 लाख रुपए यहां पे लगा रखे हैं तो अगर आप अपनी फील्ड के अंदर नौकरी नहीं कर रहे हो तो यहां पे आके सिर्फ आप अच्छी हवा खाने आए हो। आप अपने यहाँ पे मिनिमम वेज जॉब करके या रेस्टोरेंट में काम करने तो अगर 25 लाख रुपए लेके आ रहे तो आप बेवकूफ़ हो, मेरा ये मानना था। अगर आप जो कर रहे हो उनको मैं ये ऑफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा ये पर्सनल मानना है कि अगर आप पढ़ाई करने आओ अपनी फील्ड के अंदर तो आपको अपने फील्ड के अंदर ही नौकरी करनी चाहिए। तो मैंने एक चीज़ डिसाइड कर ली थी कि मेरे को एक बहुत बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्क है, मुझे नहीं लगता आप में से काफ़ी लोग ले पाएंगे, लेकिन अगर आप ले सकते हो तो सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आपके पास इस टाइम नौकरी नहीं है तो आप अपने ऊपर थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करिए और साइड बाय साइड थोड़ा टाइम डिवाइड करिए जॉब एप्लीकेशन के लिए और थोड़ा टाइम डिवाइड करिए अपने स्किल्स को एनहेंस करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं अंग्रेज, उनको चाहिए कि भाई जो ये 50,000 रुपये अगर किसी को दे रहे हैं, $50,000 अगर किसी को दे रहे हैं तो उनको उसके अंदर 80-90,000 के बंदे के स्किल्स चाहिए होते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आगे बढ़ना है तो आपको उनको ऐसे स्किल्स भी दिखानी पड़ेंगी जो मार्केट में लोगों के पास बहुत कम मिलेंगी। तो मैंने भी कुछ ऐसे ही करा था, मैंने अपने काम से छुट्टी ली, मैंने वॉलमार्ट से बोला कि भाई मुझे थोड़ा टाइम चाहिए अपने पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए या फिर अपने जॉब एप्लीकेशन पे ध्यान देने के लिए। मैंने एक महीने की पूरी छुट्टी ले ली और मेरे पास थोड़े वैकेशन पड़े भी थे, मैंने अपने उसको वैकेशन को पूरा पे आउट करवाया। मैंने उसको उनको बोला कि भाई मेरे को पैसे दो, मैं उतने दिन घर बैठूंगा, और मैंने बैठ के जॉब एप्लीकेशन डालनी शुरू कर दी। और मैं आपको बहुत प्राउडली ये चीज़ बताऊंगा कि मेरे को लेस देन 300 एप्लीकेशन के अंदर ही इतने सारे इंटरव्यू कॉल्स आ गए थे। मैं आपको अपना रिज्यूमे का सैंपल नीचे डाल के दे दूंगा कि मैंने कैसे रिज्यूमे बनाया था। आपको पता ही होगा, काफ़ी रिज्यूमे की वीडियोस आपने ऑलरेडी देख ली होंगी कि ये ATS फ्रेंडली होना चाहिए, ये वगैरह होना चाहिए। लेकिन मेरा पर्सनल मानना ये है कि आपको उसके अंदर रेलेवेंट स्किल्स आप डालते रहो जो कॉमनली आपको पता ही होगा। इतने सारे आप जॉब्स एप्लीकेशन डालोगे तो आपको पता ही हो जाएगा यार, जब 10 एम्प्लॉयर्स हैं तो 10 एम्प्लॉयर मांग क्या कर रहे हैं। कॉमनली अगर कोई चीज़ मांग रहे हैं तो वो चीज़ आपके रिज्यूम में होनी चाहिए। तो मैंने कुछ ऐसे ही करा था, मैंने बहुत जगह अप्लाई करा, करियर साइट पे अप्लाई करा, इंडीड पे अप्लाई करा, लिंक्डइन पे अप्लाई करा, मैंने इवन इनफैक्ट लिंक्डइन का प्रीमियम लेकर और वहाँ के रिक्रूटर्स को भी मैसेज किया था। तो एक चीज़ मैंने ये भी चीज़ नोटिस करी है कि यहाँ पे अगर आपको किसी से रेफरल चाहिए थ्रू लिंक्डइन तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पे एकदम से कोई आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता क्योंकि उनको रोज़ ऐसे 10-10 मैसेज आते रहते हैं कि भाई मेरी हेल्प कर दो, मेरे को रेफ़र कर दो। तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनसे कम्युनिकेट करना और उनको बताना कि आपकी नीड क्या है, और उनसे रेफरल लेना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स होते रहते हैं, नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं। जैसे मार्केटिंग के फील्ड के अगर आप हो तो आपको यहाँ पे इवेंट ब्राइट जैसे वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे कि आपको मार्केटिंग के अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं, वहाँ पे आके आप रजिस्टर कर सकते हो। कभी कभी वहाँ पे एंट्री फीस होती है तो वहाँ पे आप एंट्री फीस करके कम्युनिकेट कर सकते हो, वहाँ के काफ़ी ज़्यादा लोगों से बात कर सकते हो। ये लोग आपकी छोड़ी जॉब एप्लीकेशन में रेफरल वगैरह में थोड़ा ईज कर देंगे, लेकिन इससे सिर्फ रेफरल होने से जॉब मिलने का या फिर इंटरव्यू होने का कोई गारंटी नहीं है। मैं पर्सनली आपको जैसे कि पता ही होगा मेरे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप है और मेरे जॉब्स के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही अराउंड 3,000-4,000 लोग हैं जो कि जॉब सीकर्स हैं और ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। आप अगर चाहते हो तो उसमें ज्वाइन हो सकते हो, अगर आपको कहीं से रेफरल मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर मेजॉरिटी लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो मुझे हर दूसरे दिन मैसेज करके पूछते हैं कि कहीं मुझे जॉब मिल रही है, कहीं से आप मुझे रेफ़र कर दो या फिर कहीं पे जॉब है तो मुझे बता दो। क्योंकि यहाँ पे सर्वाइवल जॉब्स तक मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरे को ऐसे भी लोग मिले हैं जो कि पिछले 9-9 महीने से विदाउट जॉब घूम रहे हैं, और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं, PR वाले भी हैं, और एग्जिस्टिंग लोग भी हैं जो यहाँ पे काफ़ी सालों से हैं, वो भी मेरे ग्रुप के अंदर है। तो आप यहाँ से पता लगा सकते हो कि अभी जॉब की मार्केट कितनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है। मैंने ये सेट कर रखा था कि मैं डेली 30-40 एप्लीकेशन तो डालूंगा ही डालूंगा और साथ में अपने स्किल्स के ऊपर भी काम करता रहूंगा। तो पूरा एक महीना मैंने ऐसे ही अपना टाइम डिवाइड कर रखा था। एक चीज़ मैंने यहाँ पे बहुत नोटिस करी है कि यहाँ पे जब आप एक जॉब एप्लीकेशन डाल देते हो तो वहाँ से आपको रिस्पॉन्स आने में एटलीस्ट 2 वीक्स का टाइम लगता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग शायद गैदर करते हैं सारे एप्लीकेशन को एक साथ, उसके बाद सॉर्ट करते हैं। क्योंकि मेरे को जब भी रिस्पॉन्स आया मैंने कम से कम 200-300 एप्लीकेशन डाल दी थी, इतने में ही मेरे को रिस्पॉन्स आने में कम से कम 2 हफ्ते का टाइम तो लग गया। उनका रिस्पॉन्स आया उसके बाद उन्होंने मेरे को इंटरव्यूज लिए, और ऐसा नहीं है कि मेरे को एक ही इंटरव्यू के अंदर जॉब मिल गई, मैंने कम से कम 2-4 इंटरव्यूज तो दिए थे। उसके अंदर ही उन्होंने मेरे से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो कि कॉमन थे सारे इंटरव्यूज के अंदर, तो मुझे पता चल गया कि भाई मेरी गलती कहाँ हो रही है और मैं कहाँ पे आके गलती कर रहा हूँ। तो मैंने ऐसा नहीं है कि पहले एप्लीकेशन में मेरे को जॉब मिल गई, मैंने 3-4 इंटरव्यूज अटेंड करे, वहाँ पे मैं रिजेक्ट हुआ, उसके बाद मुझे पता चला कि अच्छा भाई ये चीज़ मांग रहे हैं तो शायद मेरे में यही चीज़ कमी है, तो मैंने उसके ऊपर काम करा।
जब स्टार्टिंग में मैं 5-6 इंटरव्यूज के अंदर रिजेक्ट हो गया था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटेड सा फील हो गया कि भाई शायद मैं डिजर्विंग ही फील नहीं कर रहा था कि शायद ये यहाँ के जॉब्स मेरे लिए कभी बने ही नहीं होंगे, क्योंकि इतने सारे इंटरव्यूज़ में इतनी कॉन्फिडेंटली देता था, सारे इंटरव्यू भी अच्छे से जाता था, और उसके बाद मुझे पता चलता था उन्होंने मुझे सेलेक्ट ही नहीं किया, क्योंकि सीधा उसके बाद मैसेज आता था अनफॉर्चुनेटली वी हैव मूव्ड ऑन विद अनदर एप्लीकेंट। तो मुझे ऐसा लगता था शायद मैं डिजर्विंग ही नहीं हूँ। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है वो आप जॉब आपके लिए बनी नहीं हो, कुछ और अच्छी चीज़ आपके लिए वेट कर रही हो। और मैंने जब देखा कि ऑलरेडी इतने सारे एक्सपीरियंस लोग भी रिजेक्ट हो रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही, तो मैंने सोचा कम से कम मेरे पास इंटरव्यूज़ तो आ रहे हैं। कभी कभी कुछ कंपनीज सिर्फ घोस्ट जॉब पोस्टिंग्स ओपन करके छोड़ देती है कि भाई वहाँ पे कोई एप्लीकेंट आ रहा है तो आ रहा है। जैसे वॉलमार्ट के अंदर बहुत सारे ओपनिंग्स होती हैं, वो ऐसी पड़ी रहती हैं, चाहे उस पर अप्लाई करो कोई भी नहीं देख रहा। तो ऐसा नहीं है कि आप उसका वेट करो कि भाई वहाँ पर मैंने डाल रखा है शायद रिस्पॉन्स आ जाए। तो आपको अदर मेथड से भी जाना पड़ सकता है। जैसे मान लो आपने एक कंपनी पकड़ ली, आपने उसके वेबसाइट के अंदर जाके एप्लीकेशन डाल दी, आप उसके रेफरल के थ्रू भी एप्लीकेशन डलवा दो, कुछ ऐसे कनेक्शंस ढूंढो जाके आपको लगता है कि यहाँ पे वो हायर करेंगे ही करेंगे, तो ऐसे केस में आप थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर सकते हो। नहीं तो आप मूव ऑन होकर अलग अलग कंपनीज पकड़ो और हर जगह अपनी एप्लीकेशन डालते रहो, क्योंकि एक जगह से रिस्पॉन्स का वेट करने वाले बच्चे भी मैंने देखे हैं। और उसके बाद मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो यहाँ पे अपने नॉर्मल सर्वाइवल जॉब्स कर करके उन्होंने ना उनकी PR हुई ना कुछ हुआ, उन्होंने बस यहाँ पे अपना थोड़ा मैनेजर लेवल का एक्सपीरियंस ले लिया, फाइल PR में डाल रखी है, उनका वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, और वापस वो इंडिया भी गए हैं। तो मैंने ये चीज़ देखा था कि भाई मैं इतने पैसे लगा के यहाँ पे आया हूँ, तो मेरे को तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी कि यहाँ पे मैं सर्वाइवल जॉब करके वापस इंडिया जाना पड़ रहा है, तो फिर फ़ायदा ही क्या है यहाँ पे इतना काम करके मजदूरी करके। तो ऑलमोस्ट एक महीना पूरा छुट्टी का मैंने जब दे दिया तो मुझे पता चला कि मुझे अगले हफ्ते वॉलमार्ट जाना है। तो फॉर्चुनेटली मेरे को एक जगह से कॉल आया, वहाँ का इंटरव्यू मैंने ऑलरेडी 2 राउंड दे दिए थे, तो तीसरे राउंड का जब मेरे पास कॉल आया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया और मैंने वो इंटरव्यू सक्सेसफुली क्लियर कर लिया। तो ऐसा नहीं था कि मेरे को एक जगह से ऑफर आए थे, मेरे को टोटल 3 जगह से ऑफर आए थे। 3 जगह से ऐसा नहीं है कि मैंने ये वाला जो अभी जॉब जहाँ पे मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ पैसों के लिए मैंने सेलेक्ट करा है, वहाँ पे जो पैसे मेरे को दूसरी कंपनी से ऑफर हो रहे थे वहाँ पे ज़्यादा था, बट देन यहाँ पे जो मैं जॉब कर रहा था मुझे पता था कि इस कंपनी में मेरे को ग्रोथ दिखेगी, तो यहाँ पे मैंने जॉब करना शुरू कर दिया विदाउट एनी सेकेंड थॉट और मैंने वॉलमार्ट छोड़ दिया। वहाँ पे मेरे को वॉलमार्ट में भी अपनी PR से रिलेटेड जो नॉक की जॉब होती है, जिनको पता होगा नॉक की आपकी टीयर कैटेगरी की जॉब होती है, अगर मुझे वॉलमार्ट में भी मिल सकती थी अगर मैं वहाँ पर रुकता था, लेकिन मुझे अपने जैसे मैंने आपको पहले बताया मेरे को वहाँ पे अपना फ्यूचर नहीं देखना था, तो मैंने इसलिए ये वाली सेलेक्ट करी अपनी जॉब। अब मूव ऑन करते हैं सेकेंड कैटेगरी में जो है टिप्स एंड ट्रिक्स। तो मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसे बताने वाला हूँ जो आप अगर अप्लाई करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ईजी हो जाएंगी जॉब एप्लीकेशन के ड्यूरेशन में। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि बड़ी से बड़ी कंपनी हो या फिर छोटी से छोटी कंपनी हो, सबसे पहले वो आपका लिंक्डइन चेक करते हैं जो आप रिज्यूम के अंदर लिख के रखते हो। तो काफ़ी लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वो जॉब एप्लीकेशन कर देते हैं लेकिन वो उनका लिंक्डइन देखोगे तो एकदम 5-6 साल पुराना चल रहा है जो भी इन्फॉर्मेशन पड़ा है। तो आपको अपने लिंक्डइन अपडेट करना है। फॉर रेफरेंस आप मेरा लिंक्डइन देख सकते हो कि मैंने लिंक्डइन के अंदर अपना कैसे अपना प्रोफाइल क्रिएट कर रखा है, एक्सपीरियंसेस ऐड कर रखे हैं। आप उसको एकदम अपडेट करो, क्योंकि सारे रिज्यूम में जब एक बार HR के पास पहुंच जाती है, ATS उसको सॉर्ट करके जब HR के हाथ में पहुंचा देता है, तो लिंक्डइन एक बार वो चेक करके जरूर देखते हैं कि उसके अंदर क्या चीज़ें मैच हो रही है रिज्यूम के हिसाब से। कभी कभी लोग यहाँ पे लिख देते हैं 10 चीज़ें लेकिन उसके अंदर होता ही नहीं है वो एक्सपीरियंस, तो वो देखना चाहते हैं कि वो किस कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है उस कंपनी के अंदर, या फिर कितने लोगों के साथ वो काम कर रहे थे, कंपनी साइज़, या फिर काफ़ी चीज़ें वो खुद ही रिसर्च कर लेते हैं आपके लिंक्डइन प्रोफाइल से। तो अगर आपने लिंक्डइन प्रोफाइल डाल रखी है तो उसको मेक श्योर कि अच्छे से अपडेट करो, उसकी पिक्चर्स अच्छे से लगाओ, प्रोफेशनल होनी चाहिए सारी लुक। आप मेरा लिंक्डइन देख सकते हो मैंने कैसा बना रखा है, इतना भी परफेक्ट नहीं है लेकिन जितना भी है काफ़ी चीज़ें मैंने सोच समझ के उसके अंदर अपडेट करी है, तो आप एक बार वो देख सकते हो। तो अगला टिप ये है कि आप जब भी कनाडा में जॉब कर रहे हो, मान लो किसी सर्वाइवल जॉब में काम कर रहे हो, तो उस जॉब को प्रायोरिटी मत दो। यहाँ पे मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को ये देखता हूँ कि वो लोग सर्वाइवल जॉब को प्रायोरिटी दे देते हैं, उसके बाद सोचते हैं यार ये वाली जॉब मेरे हाथ से निकल जाएगी अगर मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने चला गया। तो ये तो बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि anyway, आपको किसी भी दिन ये सर्वाइवल जॉब निकाल देगी और आपको रिप्लेस कर देगी किसी नए बंदे से, और उसको ट्रेन करने में उनको सिर्फ 2-3 दिन लगेंगे, तो आप इजिली रिप्लेस तो वैसे ही हो जाओगे। तो इसलिए आप इस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी मत देना कि भाई ये वाली जॉब मेरे हाथ से निकल जाएगी। थोड़े घंटे निकालो और जहाँ पे अभी आपको इंटरव्यू मिल रहा है तो इमीडिएटली उस इंटरव्यू को पकड़ो और जाके एक बार इंटरव्यू दे दो, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ दी कंपनीज़ यहाँ पे वर्किंग डेज पे ही इंटरव्यू लेती है। और यहाँ पे काफ़ी कंपनीज़ ऐसे भी है जो आपको बोल देगी कि आई विल प्रोवाइड यू जॉब्स, और आपको उनको पर्टिकुलर अमाउंट देना पड़ता है और वो आपके रिज्यूम को नकली तरीके से बना के वो एक एक कंपनी में आपको भेज देती है। मैंने यहाँ पे काफ़ी एजेंसीज ऐसे देखी है जहाँ पे लोग 2-3 हज़ार रुपये उनको दे रहे हैं, स्टूडेंट्स दे रहे हैं जो ये वर्क परमिट पे है,
वो उनको दे रहे हैं और वो थोड़े टाइम के एक दो महीने का क्रैश कोर्स करवा देते हैं। मान लो कोई नॉन आईटी फील्ड से है तो वो आपको दो तीन महीने का क्रैश कोर्स करवा देंगे, उसके बाद वो बोल देंगे कि भाई देखो आपको ये चीज़ें इंटरव्यू में पूछेंगे तो ये चीज़ बोल लेना। वो लोग आपके अच्छे से अच्छी पैकेज लगा लेते हैं और 18-20% आपका एनुअल पैकेज से ले लेते हैं। तो इन सब चीज़ों में मत पड़ना क्योंकि कहीं ना कहीं आप कल को जाके पकड़े जाओगे और उन कंपनी को समझ आ जाएगा कि भाई इसको जो आता है चीज़ें ये बहुत बेसिक है और या सिर्फ इंटरव्यू क्लियर करने के लिए आता था, क्योंकि एक्चुअल वर्ल्ड में जब काम करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। मैं ऐसे काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट से मिल चुका हूँ जो ऐसे ट्रैप में फंस चुके हैं और ना उनको सामने कंपनी कभी कभी रिस्पॉन्ड कर रही है और ना उनको जॉब्स मिल रही है, और जिनको मिल भी रही है उनके थोड़े टाइम बाद उनको निकाल देते हैं क्योंकि उनको रियलाइज़ हो जाता है कि वो झूठ बोल रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि आपने रिज्यूम के अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी लिख दी जो आपको नहीं आती, लेकिन ये एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ के काफ़ी एचआर्स को ये चीज़ें पहले से ही पता होती हैं कि ये बंदा मेरा फुद्दू काट रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी चीज़ें आप लिख दोगे जो आपको मैच नहीं करती या फिर आपके रिलेवेंट नहीं है या फिर इंटरव्यू के अंदर आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन के ऊपर, तो वो ऑब्वियसली बातें समझ जाएंगे कि आप यहाँ पर झूठ बोल रहे हो। तो मैंने ये चीज़ें भी काफ़ी देखी हैं कि इंटरव्यू के अंदर आके जब वो बैकग्राउंड वेरीफिकेशन करते हैं या फिर जो एक बार हो जाते हैं तो भी निकाल देते हैं उनको ये देखकर कि वो झूठ बोल रहा था, कि उसका कंपनी पीछे जो उसने लिखी हुई थी वो कंपनी नकली थी या फिर ऐसा कुछ है। तो उसने नकली एक्सपीरियंस के अगर आप डाल रहे हो तो मेक श्योर वहाँ पे आपका कोई रेलेवेंट रेफरेंस हो कि भाई हाँ ये मेरे साथ ही काम कर रहा था, या फिर आपके इसके अंदर जो आपने स्किल्स लिखे हुए हो उसके बारे में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसको आंसर दे पाए। बिल्कुल ऐसे ही काम करना है वरना आपको बहुत दिक्कत होने वाली है आगे जाके। तो टिप नंबर 3 ये है कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म में सबसे अच्छा रिस्पांस आएगा जॉब एप्लीकेशन के टाइम पे। तो मैंने जैसे बताया कि मैं काफ़ी ज़्यादा जॉब अप्लाई कर रहा था तो मुझे इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया तो हो चुका है कि सबसे पहला जो है मेरे को अच्छा रिस्पांस आया था लिंक्डइन से, और लिंक्डइन के अंदर ऐसा है कि आप रिक्रूटर से डायरेक्टली बात भी कर सकते हो और वो रिक्रूटर यहाँ पे काफ़ी कंपनीज ऐसे भी हायर करती है कि वो थर्ड पार्टी के सोर्सेज के थ्रू हायर करती है, कि जैसे अभी ICICI बैंक है फॉर एग्जांपल, अगर आपको वहाँ पे हायर होना है तो वो ICICI बैंक का रिक्रूटमेंट प्रोसेस थर्ड पार्टी से आ रहा होता है और वो लोग थोड़े एम्प्लॉयज़ को इधर भेज रहे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उसके बाद आप इंटरनली मूव हो सकते हो ICICI के पेरोल पे, समझ रहे हो, थर्ड पार्टी से अपना हायर हो रहे हो और उसके बाद मेन कंपनी में आ रहे हो। तो ऐसी कंपनीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं तो आप उस थ्रू उस रूट से भी आ सकते हो। और उसके बाद सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मुझे ऐसा लगा वो है इंडीड, क्योंकि यहाँ पे जब आप किसी कंपनी को अप्लाई करते हो तो वो कंपनी आपको इंडीड के मैसेज के अंदर ही आपको चैट करना शुरू कर सकती है। जैसे आपने मान लो अप्लाई करा तो उसके अंदर बहुत जल्दी रिस्पांस भी आता है कि अगले दिन या फिर उसके दो दिन बाद ही आपको वहाँ के CEO या फिर जिसने भी आपका वो जॉब पोस्टिंग डाली थी वो आपको रिस्पॉन्ड करे, क्योंकि मेरे को भी काफ़ी मैसेज आ जाते थे। और मेक श्योर कि जैसे ही वो मैसेज आए इंस्टेंटली रिप्लाई कर देना, क्योंकि वो सारे एप्लीकेंट्स को एक साथ मैसेज भेजते हैं तो जिसका भी पहले रिस्पॉन्स आ जाए उनका इंटरव्यू वो पहले ले लेंगे। तो हो सकता है आपको रिस्पॉन्स आ जाए तो मिनट के अंदर ही उसको रिप्लाई कर देना कि हाँ आई एम अवेलेबल फॉर इंटरव्यू टुमारो या फिर नेक्स्ट डे, और मेक श्योर आप इंटरव्यू को डिले मत करो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट है। तो मैंने ये भी देखा है कि जैसे आपके कहीं वर्क शेड्यूल है तो आप उसके हिसाब से बोल देते हो कि आई एम नॉट अवेलेबल फॉर इंटरव्यू टुमारो, प्लीज़ कैन वी डू एट डे आफ्टर टुमारो और समथिंग, एक दिन का भी डिफरेंस हो जाता है तो वो लोग रिप्लाई करना बंद कर देते हैं, बोलते हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है तेरे लिए। तो आप मेक श्योर जब भी आप अप्लाई कर रहे हो तो उसको इंडीड के अंदर रिस्पॉन्स जैसे ही कंपनी आपको करती है इंस्टेंटली उसको रिप्लाई बैक कर देना। तो गाइज़ ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, अगर आपको और भी ज़्यादा डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं मेक श्योर करूँगा कि आपको रिप्लाई कर दूँ। हो सकता है मैंने काफ़ी चीज़ें मिस कर दी हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दी या फिर आपको किसी पॉइंट पे इलैबोरेशन चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपको रिस्पॉन्ड पक्का करूँगा। तो और अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगती रहती है तो सब्सक्राइब करके रख दो, मैं कभी ना कभी तो वीडियो डालते रहता हूँ। तो अगर आपको अच्छी लगी तो मेक श्योर आप ऐसे जो लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करो जो जॉब सर्च कर रहे हैं इस टाइम, और हो सकता है अगर वो मार्केटिंग के फील्ड के अंदर है तो उनको बोलना मेरे से कनेक्ट करे, और हो सकता है मैं किसी दिन के काम आ जाऊँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।